की बात करें तो 42,488 से 47,138 हुआ है दोस्तों, इसमें काफी बढ़ोतरी है 4,650 रुपए की। और अगर बात करें हवलदार 24 साल की तो 44,514 से बढ़कर 49,526, काफी इजाफा हुआ है 5,012 रुपए की। बात करें तो 24,928 से पेंशन कम होकर के 23,620 हो गया है, ये बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है दोस्तों की। नमस्कार वंदे मातरम। ORP3 से जुड़े हुए सबसे तेज, सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़ों के साथ मैं हवलदार MACP नायब सुधार क्लर्क SD टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड फिर से आप सबके सामने आ गया हूं दोस्तों, और कुछ ORP3 के आंकड़ों को लेकर के। जी हां, हम लगातार आंकड़े आप सबके सामने रख रहे हैं दोस्तों जो ORP3 से जुड़ी हुई हैं। ORP3 में ORP2 की विसंगतियां तो हैं, लेकिन ORP3 में बहुत हद तक पेंशन को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, ORP2 में जो पहले देखा गया था कि लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ता रहा लेकिन पेंशन में डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब की बार ORP3 में खास करके ये देखा गया है दोस्तों कि लेंथ ऑफ सर्विस के बढ़ने के साथ साथ पेंशन में भी परिवर्तन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन ORP2 और ORP3 के टेबल में देखा गया है दोस्तों। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात, जो 7 नंबर और 8 नंबर टेबल के बीच में जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस को अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। जी हाँ, आगे मैं आपको अब आज के इस वीडियो में कुछ और कैटेगरी के पेंशनर का पेंशन टेबल लेके आया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ कैटेगरी के पेंशनर का पेंशन टेबल आप सबको समझाने जा रहा हूँ मैं प्रेजेंटेशन के जरिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आए दोस्तों कि ORP2 में क्या था और ORP3 में अब क्या हो गया है और कितने की बढ़ोतरी हो चुकी है पेंशन में। तो चलिए कुछ और कैटेगरीज के जो पेंशनर का टेबल लेके आया हूं उनको पहले देखते हैं दोस्तों। ये रहे ORP3 के स्पेशल फैमिली पेंशनर के Y ग्रुप का टेबल। अगर इस टेबल में हम देखेंगे 17 साल के सिपाही का, अगर ORP1 के साथ ORP3 को कंपेयर करें तो ORP1 में जो स्पेशल फैमिली पेंशन था 17 साल के सिपाही का, जो फैमिली पेंशनर का, उनका था 20,555 रुपए 7वें पे कमीशन के बाद, उसको अभी 24,556 कर दिया गया है। यानी कि ये रहा दोस्तों ये ORP1 और ये ORP3 का डिफरेंस, ORP1 और ORP3 का जो डिफरेंस है ये है उसका अमाउंट, उसका आंकड़ा। लेकिन अभी हमने जानना है दोस्तों कि ORP2 के बाद ORP3 में क्या डिफरेंस हुआ है। तो ORP2 का आंकड़ा ये है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, और ORP3 का आंकड़ा ये है। तो ORP2 में जो पेंशन 22,569 था एक सिपाही 17 साल के स्पेशल फैमिली पेंशनर का, उनका पेंशन में बढ़ोतरी होकर 24,556 हो गया, 1987 रुपए का बढ़ोतरी। वहीं पर अगर ORP2 के अगर हम नायक की बात करें 22 साल के, तो 25,493 रुपए, और ORP3 में वो बढ़ गया है 28,283 हो गया है, 2790 रुपए का बढ़ोतरी दोस्तों। और अगर हम बात करें हवलदार 24 साल का, तो 26,709 से बढ़कर 29,716 हो गया, 3,007 रुपए का बढ़ोतरी है। और वहीं अगर नायब सुधार 28 साल की बात करें, 31,290 से बढ़कर अभी हो गया है दोस्तों 33,540, जो कि 2,250 रुपए की बढ़ोतरी है। और अगर वहीं हम सुबेदार 30 साल की बात करें, जिनको 37,200 रुपए मिल रहा था स्पेशल फैमिली पेंशन, वो अब बढ़कर 37,800 हो गया है। और सुबेदार मेजर 30 साल का 37,950 से बढ़कर 41,310 हो गया, जिसमें बढ़ोतरी 3,360 रुपए का दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों स्पेशल फैमिली पेंशन का Y ग्रुप का टेबल। अब अगला हम जानते हैं लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का दोस्तों। ये रहा लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का टेबल। अब दोस्तों लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन में भी मैंने ORP1 से भी ORP3 का डिफरेंस को कंपेयर किया है। ये वाला अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो यहां पर मैंने ORP1 के साथ ORP3 को कंपेयर किया। अब मैंने इस टेबल में दोस्तों ORP1 के साथ ORP3 का कंपेयर क्यों किया, क्योंकि कई सारे रैंक को ORP2 में फायदा नहीं था। तो ORP3 के साथ अगर ORP1 को कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है, वो मैंने यहाँ दिखाने के लिए किया है। बाकी मैं आपको यहाँ समझाऊंगा ORP2 और ORP3 में लिबरलाइज फैमिली पेंशनर में क्या डिफरेंस आया है, क्या बढ़ोतरी हुई है। सिपाही 17 साल का अगर लिबरलाइज फैमिली पेंशन वाई ग्रुप की बात करें तो 37,614 से बढ़कर 40,926 हो गया, 3,312 का बढ़ोतरी। अगर नायक 22 साल की बात करें तो 42,488 से 47,138 हुआ है दोस्तों, इसमें काफी बढ़ोतरी है 4,650 रुपए की। और अगर बात करें हवलदार 24 साल की तो 44,514 से बढ़कर 49,526, काफी इजाफा हुआ है 5,012 रुपए का इजाफा हुआ है दोस्तों। और यही बात करें 52,150 था नायब सुधार 28 साल का, जो बढ़कर 55,900 हो गया है,
3750 की बढ़ोतरी और 62,000 जो सुविधा 30 साल का बढ़कर 63,000 हो गया, जिसमें 1,000 की बढ़ोतरी और 63,250 रुपए जो कि सुविधा मेजर 30 साल वाले का जो 68,850 हो गया, यानी कि 5,600 की बढ़ोतरी। तो दोस्तों अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 के बीच का अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो इसमें काफी डिफरेंस है लिबरलाइज फैमिली पेंशनर और स्पेशल फैमिली पेंशनर में, यानी कि जो विसंगति ओआरओपी 2 में थी लिबरलाइज फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशनर के केस में, तो उसको कई हद तक काफी हद तक सुधारने की उसको उस विसंगति को सही करने की कोशिश ओआरओपी 3 में की गई है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए अब आगे हम समझते हैं और एक कैटेगरी का पेंशनर, वो है एक्स ग्रुप के पोस्ट 2016 यानी कि टेबल नंबर 8 के हिसाब से आप समझिए दोस्तों। अब ये टेबल नंबर 8 है दोस्तों, टेबल नंबर 8 में सिपाही 17 साल की बात करें 23,200 था ओआरओपी 2 में, जो बढ़कर 23,563 हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है 363 रुपए का। और वहीं अगर सिपाही 17 साल जिनको एमएससीपी नायक मिला हुआ है उनकी बात करें तो 24,928 से पेंशन कम होकर के 23,620 हो गया है, ये बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है दोस्तों कि नायक जिनको नायक का एमएससीपी मिला हुआ है यानी कि 17 साल के नायक या टीएस नायक हैं उनका पेंशन में कटौती हुआ है। हालांकि उनका पेंशन कम उनको नहीं मिलेगा, जो मिल रहा था वही मिलेगा, यानी कि वो पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रह जाएंगे, लेकिन ओआरओपी 3 में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और ओआरओपी 2 के साथ कंपेयर करें तो निगेटिव में गया है पेंशन, ये देखिए। हालांकि उनको फिजिकली जो मिलेगा वो निगेटिव होके नहीं मिलेगा, जो मिल रहा था वो ही कंटिन्यू रहेगा। वहीं अगर 17 साल के सिपाही जिनको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ उनकी बात करें तो उनका भी 26,795 ओआरओपी 2 में था, ओआरओपी 3 में 25,870 हुआ है, यानी कि 925 रुपए का घाटे का सौदा हुआ है। और अगर नायक 22 साल की बात करें 24,928 से बढ़कर 27,585 हो गया है दोस्तों, और 2,657 रुपए का बढ़ोतरी। और नायक 22 साल जिनको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ उनकी बात करें तो 27,285 से बढ़कर 28,635 हो गया, 1,350 का बढ़ोतरी। हवलदार 24 साल की बात करें तो 27,285 से 28,950, 1,665 रुपए की बढ़ोतरी दोस्तों। और हवलदार 24 साल जिनको एमएससीपी नायक सुधार मिला हुआ उनकी बात करें तो 30,725 से बढ़कर 30,825, केवल 100 रुपए की बढ़ोतरी। और अगर हवलदार 26 साल की बात करें तो 27,285 से 28,950, 1,665 की बढ़ोतरी। और अगर वहीं हवलदार 26 साल जिनको एमएससीपी नायक सुधार मिला हुआ उनकी बात करें तो 30,725 से बढ़कर 31,825 यानी कि 1,100 की बढ़ोतरी। वहीं अगर नायक सुधार 28 साल की बात करें तो 32,900 से पेंशन कम हो गया 31,825, इनको अब आगे 32,900 ही मिलता रहेगा, कम पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है लेकिन इनको घाटा हुआ है 1,075 रुपए का। आगे सुविधार 30 साल की बात करें तो 36,425 से बढ़कर 37,000 हो गया, 575 रुपए की बढ़ोतरी। और सुविधार मेजर 30 साल की बात करें तो 38,700 से 39,700 हो गया, यानी कि 1,000 रुपए की बढ़ोतरी। ये है टेबल नंबर 8 का डाटा दोस्तों, जो 2016 के बाद के एक्स ग्रुप है। अब दोस्तों मैं आपको वो डाटा दिखाऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, यानी कि ओआरओपी 3 में टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 के हिसाब से एक्स ग्रुप के पेंशनर्स का अब कितना डिफरेंस रह गया है, अगले टेबल में हम उस चीज को जानते हैं। ये देखिए, ये रहा टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 का ओआरओपी 3 का डाटा, जिससे आपको पता चलेगा कि अब की बार ओआरओपी 3 में विसंगतियों को सही करने की कोशिश की गई है। आगे मैं इसमें आपको समझाता हूं दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर ये ओआरओपी 3 का 7 नंबर टेबल का एक्स ग्रुप का डाटा है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं 7 नंबर टेबल का, यानी कि 2016 से पुराने पेंशनर्स के एक्स ग्रुप का ये डाटा है, रैंक वाइज आगे आप देखिए। और ये जो है ओआरओपी 3 का 8 नंबर टेबल का डाटा है, जो कि 2016 के बाद के रिटायरी जिनको X6200 जिनको एक्स ग्रुप का पे मिला हुआ है। तो ये देखिए आप जो डिफरेंस है वो डिफरेंस में बहुत कमी आ गई है, क्योंकि ओआरओपी 2 के टेबल में जो डिफरेंस था उससे बहुत कम डिफरेंस मिल रहा है, और कई कई रैंक में तो बराबरी भी हो गया है दोस्तों। आप देखिए यहां पर अगर सिपाही की बात करें 17 साल सर्विस वाले सिपाही की, तो 1,300 का डिफरेंस रह गया है, जो कि ओआरओपी 2 में काफी डिफरेंस था। अगर 17 साल का एमएससीपी नायक सिपाही जिनको एमएससीपी नायक मिला हुआ उनकी बात करें तो केवल 64 रुपए का डिफरेंस रह गया है। सिपाही 17 साल जिनको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है उनको 1,735 का डिफरेंस रह गया है, और नायक 22 साल की अगर बात करेंगे तो डिफरेंस जीरो हो गया है। देखिए यानी कि एक्स ग्रुप का 8 नंबर टेबल और 7 नंबर टेबल में पेंशन बराबर होता हुआ दिख रहा है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस तरीके से
आने वाले समय में अगर मान लीजिए ओआरओपी 4 तक आते आते मुझे लग रहा है कि कहीं ओआरओपी 4 में टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 एक ही टेबल ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर जो डिफरेंस पहले था वो कम हो गया। यहाँ पर देखिए आप पूरे रैंक्स का यहाँ देख सकते हैं, उसी हिसाब से नायब सूबेदार 24 साल वाले अगर बात करें हम, या तो 24 साल के हवलदार जिनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला हुआ है उनका भी डिफरेंस जीरो है देखिए, और बाकी भी जो भी डिफरेंस है उसमें बहुत कमी आई है। जो ओआरओपी 2 में डिफरेंस था टेबल नंबर 7 और 8 में, वो ओआरओपी 3 में बहुत कम होता हुआ दिख रहा है, यानी कि विसंगतियों को सही करने की कोशिश की गई है दोस्तों ओआरओपी 3 में। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन 2016 के बाद के एक्स ग्रुप के ओआरओपी 3 के आंकड़े, और साथ ही साथ 2016 से पहले और बाद वालों का जो एक्स ग्रुप का आंकड़ा है उसका डिफरेंस। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे आंकड़े हैं जो आप सबके सामने मुझे लेके आना है ओआरओपी 3 से जुड़े हुए, तो उन आंकड़ों को लगातार आप पा सकें, ओआरओपी 3 से जुड़ी हुई हर एक पहलू को, हर एक एंगल को आप समझ सकें, ओआरओपी 3 से जुड़े हुए जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी गुंडियां हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उन सभी को आप जान सको, किस तरीके से ओआरओपी 3 में भी प्रीमेच्योर के साथ अन्याय हुआ है, किस तरीके से रिजर्विस्ट पेंशनर अब भी ओआरओपी के दायरे से बाहर हैं, उन सभी बातों को आगे हमें डिस्कस करना पड़ेगा, आगे हमें मुद्दे उठाने पड़ेंगे। तो आने वाले समय में और भी आंकड़े सामने रखूंगा आप सबके, और भी जो भी विसंगतियां हैं ओआरओपी 3 के वो भी आपके सामने लेके आऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों सैनिक पाठशाला के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ओआरओपी 3 और पेंशन से जुड़ी सटीक जानकारी सटीक समय पर सबसे तेज सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था, आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।